नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दी, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मकर संक्रांति का त्यौहार स्नान दान पूजा और दर्पण का दिन माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान कई हजार गुना फल देता है, लेकिन दोस्तों इस दिन की गई गलती उतनी ही बड़ी सजा बन सकती है। तो दान करने के पहले आप जरूर जान लें कि किन किन चीज़ों का दान हमें किसी भी पवित्र दिन नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों तिल का दान हुआ, गुड़ का दान हुआ, कपड़ों का दान हुआ, ये सब दान जो हमेशा सुफलदायी होते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि हमें किन किन चीज़ों का दान है वो करना नहीं चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है दोस्तों, इसीलिए कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू का दान सिर्फ मंदिर में दीपावली के समय में गुप्त दान के रूप में आप कर सकती हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपको झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। इवन आप झाड़ू पुरानी हो जाए उसे फेंकना भी पड़े तो झाड़ू को फेंकने को खोल कर ही फिर ही फेंके, कभी भी बंधी हुई झाड़ू जो है आप कभी भी ना फेंके, और किसी को देना तो बिल्कुल भी नहीं, आप कभी भी झाड़ू किसी को ना देनी है। और दोस्तों मकर संक्रांति के दिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आती हुई लक्ष्मी आपके घर से वापस चली जाएंगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों पुराने कपड़े। कई कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग जो है पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और मकर संक्रांति के दिन जो उन कपड़ों को लेकर निकलते हैं, क्योंकि वह दिन जो भी भिखारी या गरीब है, जो भी इनको जरूरत होती है घूमते रहते हैं, उनको पता है कि आज के दिन लोग दान करते हैं, तो जो पुराने कपड़े लोग लेकर निकलती हैं वो भी उस दिन दान करने को निकल जाती हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपने मकर संक्रांति के दिन दान करना है तो आप नए कपड़ों का ही दान करें। इस दिन आप कोई भी पहनी हुई या पुराने कपड़ों का दान ना करें। और दोस्तों आपके पास पुराने कपड़े रखे हैं तो आप किसी और दिन ऐसे ही आप किसी को, गरीब को, ज़रूरतमंद लोगों को दे दें, लेकिन किसी पवित्र दिन, किसी पूजा के दिन और स्पेशली मकर संक्रांति के दिन आप पुराने कपड़े किसी को भी ना दें। तीसरी चीज़ है दोस्तों इसमें ख्याल रखना है दोस्तों, वह है बचा हुआ तेल। नॉर्मली जो सरसों तेल का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है, शनि की दशा को दूर करने का बहुत ही सटीक और आसान उपाय समझा जाता है। सरसों के तेल का दान करने से शनि की दशा जो है वह दूर होता है, और जो भी दशा चल रहा होता है उसका प्रभाव जो हमें पर कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर आप बचे हुए तेल का दान करते हैं तो यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके लिए, विशेषकर किसी स्पेशल डे में, किसी पूजा के दिन, मकर संक्रांति के दिन में आप बचे हुए तेल का दान बिल्कुल ना करें। अपने दान करना है तो फ्रेश तेल का ही दान करें। अगली चीज़ है दोस्तों प्लास्टिक और स्टील के बर्तन। बहुत से लोगों का यह नियम होता है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान करने का, तो वो कोई ना कोई चीज़ हर साल कुछ नया आइटम सेलेक्ट करती हैं दान करने के लिए। तो बहुत से लोग कई बार क्या करते हैं, प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस में या स्टील के बर्तन में वो ले आती हैं, क्योंकि वह सबसे सस्ते पड़ते और आसानी से जो है बांटे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आप मकर संक्रांति का दान करना है तो सब कम्बल का दान कीजिए, तिल का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, लेकिन प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना है, लोहे का दान नहीं करना है। ये आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ सकता है दोस्तों, इन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली चीज़ है इसका दान हमें नहीं करना है, वो है चीज़ दोस्तों धारदार सामान या ऐसे सामान जिनसे चोट पहुँचे, जिससे हिंसा होती हो, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो कैंची हो या अन्य कोई काटने का सामान। दोस्तों इन सब चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए। वैसे इन अहिंसक चीज़ों का दान नॉर्मल डे में भी कभी भी आपको चाकू, कैंची सब चीज़ों को नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए। अगर आपने किसी से मंगवाई है तो उनको पैसे दे दीजिए, परचेज कर लीजिए, लेकिन किसी से दान के रूप में आप चाकू, कैंची
ये सब चीजें वह बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि दोस्तों इन सब चीजों का दान दोनों पर भारी पड़ता है, लेने वाले पर और देने वाले पर भी। तो ध्यान रखें दोस्तों, दान से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों का और मजा लीजिए मकर संक्रांति का, जो आपके जीवन में लाने वाली है अपार खुशियाँ। दोस्तों मकर संक्रांति के इस सकारात्मक त्यौहार पर उत्तरायण चालू हो जाता है, और उत्तरायण का समय होता है शुभ शक्तियों का समय होता है, देव शक्तियों का समय होता है, सभी नए कामों को शुरू करने का समय होता है। दोस्तों कर लीजिए अपने मन को शरीर को तैयार और कुछ शास्त्रीय शुभ कार्यों को करने के लिए, और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी मकर संक्रांति लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।